पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि मेहंतीपुर बालाजी में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है, प्रेतराज हैं, भैरव जी हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमूमन अक्सर इस मंदिर में आते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आए। महंत जी के साथ लंबी चर्चा भी चली पूजा अर्चना के बाद। लेकिन एक बड़ा सवाल है, धार्मिक और पर्यटन स्थल जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए कि भीड़ बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं पुरानी हैं। आप नहीं मानते कि जैसे काशी है, उज्जैन है, वहाँ की तरह यहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था बने, क्योंकि यहाँ पर अब पर्यटक, धार्मिक पर्यटक बढ़ता ही जा रहा है। पहले से हमारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई हैं और यात्रियों को दर्शन करने में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन मंदिर से बाहर परिसर के, ये एक पीडब्ल्यूडी की सड़क है और सरकार की जगह है, उस जगह पे यात्रीगण काफ़ी शाम के टाइम भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए कॉरिडोर की चर्चा की थी अभी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लोकल जनता जो है मेहंदीपुर बालाजी की आसपास के गांवों के, ये लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इससे सबको फ़ायदा होगा और सबकी उन्नति होगी और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। उल्टा उन लोगों को भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब किसी भी तीर्थ स्थान का विस्तारीकरण होता है, उसका सौंदर्यकरण होता है, तो कहीं कोई शिफ्टिंग भी होती है, तो उन लोगों को अभी तक देखा गया है कि ज़्यादा फायदा ही हुआ है उन लोगों को, हमेशा जिन लोगों की रोज़ी रोटी, क्योंकि एक मंदिर से लाखों लोग जुड़े रहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये सच है कि सभी को फ़ायदा होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाईपास जब बनते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्रों को और वहाँ की ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसी प्रकार से जब जब भी हर जगह पे उन्नति होती है या वहाँ के जो व्यवस्थाएं वो ठीक होती है, तो सभी को फ़ायदा होता है उसमें। एक और बड़ा सवाल है कि यहाँ से जो भी गोवर्धन गिरिराज जी से आता है और जयपुर सालासर भी जाता है, खाटू श्याम जी जाता है, पहले मेहंदीपुर बालाजी पर रुकता है। अमूमन कई बार यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखी जाती है, तो यहाँ के लोगों में भी जागरूकता की विशेष आवश्यकता है क्या, कि क्योंकि धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है, तो लोगों को भी और जागरूक करें, चाहे सरकार या सामाजिक रूप से। यहाँ के लोग पहले से बहुत जागरूक हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मंदिर का पूरा सहयोग करते हैं, मंदिर भी इन लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन हर दिन एक नई सोच बनानी पड़ती है, आज से 40 साल पहले कुछ और बात थी, आने वाले 40 साल के लिए हमें और सोच बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए कई बार लोगों को तैयार करना पड़ता है, उनकी मानसिकता तैयार।